डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर मनीषा शर्मा असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोआलॉजी जे डी पी गवेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा टुडे वील बी स्टार्टिंग द टॉपिक विच इज़ इंक्लूडेड इन योर पेपर फर्स्ट यूटिट फोर्थ दैट इज़ पैरासिटिक अडेप्टशन इन हेलमेंट्स यानी कि हेलमेंट्स जंतुओं में पर जीवी अनुकूलताएँ तो अनुकूलता या अडेप्टशन हम किसे कहते हैं अडैप्टेशन इज़ द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरमेंट अपने एनवायरमेंट में फिट रहने की जो कैपेबलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसे हम एडेप्टन कहते हैं इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक विच रिजल्ट इन सुटेबल एंड कन्वीनियंट मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल को रिलेशन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट यानि कि ये एक इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जंतु एवं उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रहता है उसमें वो किस तरीके से अपनी आकारिकी की और कार्य की के अंतर्गत एक बदलाव लाकर बहुत कन्वीनियंटली उस एनवायरनमेंट में रह सके इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम अडेप्टशन कहते हैं पैरासिटिक पैरासीटिक अडेप्टशंस पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स जिसके अंतर्गत ड्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स आते हैं हैव प्रोफाउंड प्रोफाउंडेश्स टू सूट देयर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ दीज एडेप टर्म्ड एज पैरासिटिक एडेप्टशन इन सच केसेस आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल नेचर यानी कि जो हेलमिंस जंतु हैं इनकी कई हज़ार जातियाँ और अन्य जंतुओं एवं पौधों में ये अंत परजीवी के रूप में पाए जाते हैं अपने विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में उचित रूप से स्थापित रहने और एक दूसरे पर पोषी में स्थानांतरित होने के लिए आवश्यकता अनुसार इनके शरीर में अनेक अनुकूलताएं पाई जाती हैं जिनके कारण इनकी आकारिकी कार्य और व्यवहार में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं तो जो आकारिकी है और कार्य की विशेषताएँ हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो जो आकार की है यानी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टंस हैं उनके अंतर्गत आता है सबसे पहले बॉडी कवरिंग तो बॉडी कवरिंग के अंतर्गत थिक टेग्यूमेंट फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड विथ स्केल्स अफोर्ड सूटेबल प्रोटेक्शन टू द पैरासाइट जो अंत परजीवी है जब वो किसी अन्य होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है तो उसके आ, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके अंदर थिक टेग्यूमेंट की आवश्यकता होती है जो कि इसमें उपस्थित होता है इट इज़ यूजली प्रोबेबल दैट दिस थिक प्रोटोप्लाज्मिक लेयर इज़ कंटिन्यूली रिन्यूड बाई मीजोकाइमल सेल्स फॉर्मिंग इट यानी कि ये निरंतर इसके अंदर जो है रिन्यूअल uh, होता रहता है ऑफ दिस थिक प्रोटोप्लाज्मिक लेयर कंटिन्यूसली ऑर्गन्स ऑफ एडेशन अपने आप को होस्ट के अंदर जो है बनाए रखने के लिए इसके अंदर फर्म ग्रिप की आवश्यकता होती है और इस वजह से इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एडेशन उपस्थित होते हैं जैसे कि फ्लैटफर्म्स के अंदर आप सकर्स हुक्स स्पाइंस वगैरह पाए जाते हैं सकर्स डेमसेल्स में भी विथ और विदाउट हुक्स एंड स्पाइंस तो जो चूशक हैं उनके अंदर हुक्स और स्पाइंस उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन लोकोमोशन इज एक्चुअली एन एफर्ट फॉर प्रोक्योरिंग फूड लोकोमोशन की आवश्यकता जो है खाद्य पदार्थ पाने के लिए होती है बट पैरासाइट्स हैबिटुअली इनहेबिट सच प्लेसेस इन होस्ट बॉडी वेर सफिशियंट फूड इज़ अवेलेबल विदाउट एफर्ट परंतु क्योंकि ये परजीवी हैं इसलिए ये अपने होस्ट की बॉडी में उस जगह पर उपस्थित होते हैं जहाँ की उन्हें पर्याप्त रूप से खाद्य भोजन प्राप्त हो दस ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन सचैस सीलिया आ, आर एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स तो जो अंतपरजीवी हैं इनके अंदर जो है ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एबसेंट रहते हैं परंतु इनके जो इंटरमीडिएट जो दूसरे लार्वल फॉर्म्स हैं जो फ्री लिविंग हैं जैसे फ्री लिविंग टर्बल हैं उनके अंदर जो है आप सीलिया देख सकते हैं इसी प्रकार से जो आ, दूसरे हमने पिछले लेक्चर में फैस्योला हिपेटिका के बारे में पढ़ा था और उसके जीवन चक्र के अंदर हमने एक लार्वल स्टेज पढ़ी थी जिसका नाम था मिरासीडियम तो इस मिरासीडियम में आप जो है सीलिया पाए जाते हैं और सर्केरिया जो एक और जो अवस्था इसमें पाई जाती है उसमें टेल उपस्थित होती है गमन के लिए सो मेरासिडियम लार्वा पोजेस सीलिया एंड सर्केरिया पोजेस टेल फॉर लोकोमोशन ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड ऑफ पैरासाइट कम्प्राइजेज रेडीली अवेलेबल डाइजेस्टेड एंड सेमी डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट तो जो भोजन ये प्राप्त करते हैं परजीवी ये ज़्यादातर डाइजेस्टेड रूप में होता है या सेमी डाइजेस्टेड रूप में उपलब्ध होता है होस्ट की बॉडी में तो इलेबरेट ऑर्गन्स फॉर न्यूट्रिशन आर दस नॉट नीडेड तो इसलिए इसके अंदर कोई बहुत इलेबरेट डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती ट्रिमेटोड्स हैव एन इनकम्प्लीट कट एंड इन मोस्ट केसेस अ सक्टोरियल फायरिंग्स फॉर सकिंग फूड तो इसके अंदर ज़्यादातर एक सेक्टोरियल फैरिंग्स जिससे कि जो है ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो होस्ट की बॉडी से चूस सके उसके लिए उपस्थित होता है और इन सेस्टोड्स पैरासाइट्स फ्रीली बेथ इन डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट विच इज़ एब्जॉर्ब डायरेक्टली तो सेस्टोड्स के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जहाँ उपलब्ध है वहीं ये उपस्थित होते हैं और uh, उस ऑर्गन के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है उसको वो डायरेक्टली uh, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए टेप uh, वर्म्स के अंदर खास तौर से किसी भी प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल या कोई और अन्य ऑर्गन उपस्थित नहीं होता न्यूरोसेंसरी सिस्टम नीड फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स टू इज एसोसिएटेड विथ फ्री एक्टिव लाइफ एंड नॉट विथ अ क्वाइट पैरासिटिक लाइफ इन अ सेफ इन्वायरमेंट यानी कि जो अंत परजीवी हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार के न्यूरोसेंसरी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो एक आ, कहना चाहिए सुषुप्त अवस्था में या क्वाइट लाइफ जो है वहाँ पर उस ऑर्गन के अंदर जहाँ की वो होस्ट के ऑर्गन में प्रेजेंट है, वहाँ लीड करते हैं परंतु यदि उनका जो लार्वल फॉर्म है यदि फ्री एक्टिव है तो उसमें ज़रूर किसी भी प्रकार की स्टिमुलस को रिस्पोंड करने के लिए कुछ एक सेंसरी ऑर्गन्स जरूर उपस्थित होते हैं जैसे कि मेरासीडियम के अंतर्गत आप आई स्पॉट्स देख सकते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं मेरासीडियम लार्वा में जो कि फैस्यूला हिपाटिका का लार्वा है नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सबसे बेस्ट डेवलप सिस्टम होता है हेलमेट पैरासाइट्स में और ये ट्रमेंडस एग प्रोडक्शन के लिए जो है अपने आप को परफेक्टली ये उस नीड को मीट करने के लिए इस प्रकार से डिजाइन रहता है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्स प्रोड्यूस कर सकें पैरासिटिक फ्लैटफर्म्स विथ फ्यू एक्सेप्शन लाइक शिशोस्टोमा आर्मोनेशियस जैसे हर्मोफ्रोटाइट हारमोफ्रोटाइटिज्म इज ऑफ डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू अ पैरासाइट यानी कि जो उभयलिंगिता है वो हारमोफ्रोटाइटिज्म इज ऑफ़ स्पेशल एडवांटेज क्यों क्योंकि इट इन्श्योर्स दैट इवन विदाउट कॉपुलेशन फ्यू इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट और आफ्टर कॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ले एग्स तो डबलिंग द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इन द एबसेंस ऑफ अ कंपेनियन पैरासाइड कैन रिप्रोड्यूस दफ स्प्रिंग यानी कि नर और मादा एक ही में होने की वजह से वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है इन सेस्टोट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर एलैबरेट

टीनिया के अंदर उसमें जो है सारे बाकी के सिस्टम्स डीजेनरेट हो जाते हैं और केवल यूट्रस जो है उपस्थित होता है जो कि हाईली एनलास्ड और ब्रांच होता है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स उसमें एकोमोडेट हो सकें अब आते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टशन्स के अंदर तो जो कार्य की अनुकूलता हैं उनके अंदर है सबसे पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्योंकि बचाव बहुत ज़रूरी है परजीवी होना आ, का मतलब ये है कि होस्ट से आपको कहीं ना कहीं जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उसके जो अंदर शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका भी उसे सामना करना पड़ेगा तो इसलिए किस प्रकार से प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स इन अंतर परजीवियों में होते हैं एलिमेंट्री कैनाल पैरासाइट्स हैव टू प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज ऑफ होस्ट तो जो परजीवी किसी भी होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उपस्थित होते हैं तो उन्हें जो उस होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो जैसे कि टेप फॉर्म्स हैं ये एकम्प्लिश करते हैं इस एक्ट को बाई स्टिम्युलेटिंग वॉल्स ऑफ गट टू सिक्रीट म्यूकस विच देन फॉर्म्स अफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अराउंड द पैरासाइट यानी कि ये जो है स्टिमुलेट करते हैं द वॉल्स ऑफ द गट टू सेक्रेट म्यूकस ताकि जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उस पैरासाइट के आसपास उपस्थित हो इसके अलावा सेक्रेट एंटी एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं होस्ट के उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वो सिक्रीट करते हैं एंटी एंजाइम्स को और तीसरा है प्रोपेबली uh, continually renewing their protective body covering that is tegument. तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि body covering को ये continuously renew करते रहते हैं ताकि जो है ये अपने आप को सुरक्षित रख सकें नेक्स्ट है एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता तो ऑक्सीजन के अभाव में किस प्रकार से ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं एनवायरनमेंट इन गट एंड वाइल्ड डक इज़ डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन तो गट में वाइल्ड डक में जहाँ की ये ज़्यादातर तो उपस्थित होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है फ्लैट वर्म्स दीज प्लेसिस प्लेसेस फोर रिस्पायर एन एरो एन एरोबिकली बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन तो यहाँ इनके अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है जिसके अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है मुख्यतः फिर आता है ऑस्मो रेगुलेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एंडोपैरासाइट फ्लूड्स का स्पेशली इन केस ऑफ ट्रिमेटोड्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम ऑफ दैट ऑफ द होस्ट यानी कि जो होस्ट के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसी के अनुरूप ये परजीवी अपने बॉडी फ्लूएड्स का भी ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं ज़्यादातर ट्रिमोटोस के अंदर यही होता है और जो इंटस्टाइनल टेफम्स होते हैं उसमें ज़रूर जो टेफम है उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है होस्ट के कंपैरिजन में और जिसकी वजह से कि देर इज़ रेडी ऑब्जॉर्बशन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव फूड बाई टेफम तो ये भी एक तरीके की बहुत अनुकूलता के अंतर्गत आता है कि होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टिव फूड आसानी से ये एब्जॉर्ब कर सकें इसलिए खुद की बॉडी का जो ऑस्मोटिक फ्लूड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉडी फ्लूड्स का उसे ये थोड़ा हायर रखते हैं टेप वर्म्स देन हाई फर्टिलिटी एग्स प्रोड्यूस बाय अ पैरासिटिक फ्लैटवर्म फेस अ वेरी अनसर्टेन फ्यूचर तो जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स के द्वारा वो जो है बहुत ही अनिश्चितता से गुजरते हैं और ये ख़ास तौर से इसलिए होता है क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है परजीवी का वो बहुत ही जटिल होता है एक से अधिक होस्ट के अंदर ज़्यादातर इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो इसलिए अपने आप को जो है अपनी जो प्रजाति है उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई नंबर्स uh, के अंदर ये एग्स प्रोड्यूस करें ताकि डेफिनेटली uh, जो है uh, कुछ अच्छी मात्रा में जो है जो ये एग्स हैं वो एडल्ट्स के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकें ताकि इनकी जो स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ती चली जाए सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लैटवर्म्स एज ऑलरेडी नोटेड आर कॉर्डिंगली डेवलप्ड यानी कि भली बहुत अच्छी तरीके से इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड रहते हैं एडिशनल मल्टीप्लीकेटिव फेज़ इन लाइफ साइकिल ऑफ सम फ्लैटफर्म्स फर्दर इनक्रीज द आउटपुट ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग्स तो यानि कि uh, कई एडिशनल uh, जो मल्टीप्लीकेटि फेजेस हैं उसकी प्रेजेंस uh, की वजह से ये ऑफ स्प्रिंग्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हेलमेंट्स एंड ह्यूमन डिजीज़े के बारे में यदि हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से जो है डिज़ीज़ हैं जो कि ये पैरासाइट्स या परजीवी जो है कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर तो ये हेलमेंट्स जो है ज़्यादातर फाइलम प्लेटी और निमाटोडा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं और इनमें ज़्यादातर जो है आ पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं यानी परजीवी फॉर्म्स होते हैं इसलिए इन्हें पैरासिटिक वर्म्स भी कहा जाता है और क्योंकि ये किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं तो इसलिए इन्हें अंतरपर परजीवी या एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है और ज़्यादातर ये गट में और ब्लड में उपस्थित होते हैं इसलिए दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स ऑफ गट एंड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी और कलेक्टिवली uh, जो है ये जो डिजीजस कॉज करते हैं वो कहलाती हैं हेलमेंथियासिस तो तीन प्रकार की जो है हेलमेंथियासिस डिजीजेस ज़्यादातर देखने को मिलती हैं सबसे पहले है निमेटोडियास निमाटोडियासिस के अंतर्गत आती है डिजीज़ एस्केरियासिस एनक्लोसटोमासियस एनक्लोस्टोमियासिस जो कि इनक्लास्टोमा की, की वजह से होती है एंट्रोबियोसिस और फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जिसे कि हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं और ये कॉस करता है निमेटोड वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो ये बात हुई अपनी निमेटोडियासिस के बारे में नेक्स्ट है ट्रिमाटोडियासिस तो जैसा कि नाम जो है बता रहा है कि क्लास ट्रिमेटोडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर ये डिजीज़ कॉज करते हैं तो फैसियोलियास इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पूर्व लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और शिस्टोसोमियास आदि डिजीजेस ट्रिमेटोडियासिस के अंतर्गत आती हैं लास्ट है सेस्टोडियासिस इसके अंतर्गत आती है टीनियासिस जो कि टीनियासोलियम द्वारा या टेपवर्म द्वारा उत्पन्न होती है और है हाइडेटेड डिजीज़ जो कि एकाइनोकोकस ग्रैन्युलस की, एकाइनो की वजह से उत्पन्न होती है इसके संक्रमण की वजह से तो ये थी कुछ ह्यूमन डिजीजेस जो कि हेलमिट्स द्वारा होती है और हमने इससे पहले पढ़ा कि किस प्रकार से हेलमिट जंतुओं में परजीवी अनुकूलताएं जो कि तौर से आकीय आकार की और कार्य किया क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा सो so, uh, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं कि वॉट इज डायजेनेटिक लाइफ साइकिल इट विथ रेफरेंस टू फैस्यूला हिपैटिका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पैरासिटिक एडेप्टशन फाउंड इन फैस्यूला राइट एन एसे ऑन लार्वल फॉर्म्स ऑफ फैस्यूला हिपैटिका